नोट मेकिंग, यू नो, मेरे साथ ऐसा था, किसी के नोट्स मैं पढ़ती थी, इतना समझ में नहीं आता था. खुद के नोट्स में व्हेन वी राइट इन आवर ओन हैंड राइटिंग एंड वी हैव प्रोसेस्ड दैट इन्फॉर्मेशन, तो रिविजन भी ईजी हो जाता है. इसीलिए मैंने खुद के नोट्स पे फोकस किया. एडिटोरियल सेक्शन था स्पेशली, उसको नोट डाउन करती थी. एक टिप कि मेक योर नोट्स इन प्लेन A4 साइज शीट पेपर्स, बिकॉज वहाँ पे वी हैव टू राइट इन प्लेन शीट्स, यू आर नॉट गोइंग टू गेट रूल पेजेस. तो लेट्स प्रैक्टिस फ्रॉम हियर. आई मेड माई नोट्स देयर, पॉइंट फॉर्मेट में लिखती थी और डिपेंडिंग ऑन दी डिमांड. कई बार ऐसा होता है कि न्यूज़पेपर में कोई स्टेटमेंट रहता है विच यू फील यार दिस स्टेटमेंट कैन बी डायरेक्टली कोटेड इन माई आंसर एज अ कंक्लूजन और एन इंट्रोडक्शन, तो वैसे स्टेटमेंट्स को आप डायरेक्टली अपने नोट्स में लिख लीजिए. एक और चीज़ कर सकते हैं आप, कहीं पे डेटा आपको मिलता है न्यूज़पेपर में, यू नो कि 50% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन हैज एनीथिंग, यू नो वी गेट सच डेटा. दिस डेटा कैन बी कैन यू नो सब्सटेंशिएट योर आर्ग्यूमेंट इन योर आंसर. तो इस डेटा को अलग से आप एक नोटबुक में नोट कर लो और जब भी आप उसका आंसर लिख रहे हो, कोट दैट डेटा वहाँ पे. प्रैक्टिस इट इन योर आंसर्स एंड व्हेन यू ऐड टू योर नोट्स, कुछ भी नया जब आप लिख रहे हो तो बस थोड़ा सा पेजेस पलटा के पीछे देख लीजिए कि क्या लिखा है. हर दिन पूरा नहीं पढ़ना है, बट इवन इफ यू ग्लांस थ्रू दोज नोट्स, यू नो वो थोड़ा आपके दिमाग में रहेगा, वो दैट विल हेल्प यू इन रिविजन. तो डोंट टेक शॉर्टकट्स, मेक योर नोट्स, दैट विल यू नो इंक्रीज योर कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द टॉपिक. एंड आई हैव ऑब्जर्व्ड कि जितना ऑर्गेनाइज हमारे नोट्स होते हैं उतने अच्छे और ऑर्गेनाइज हमारे आंसर्स हो जाते हैं. तो फोकस ऑन दैट.